बड़का समाचार देखे के बाद अब बेरा है खबर छत्तीसा के। बालपेट दंतेवाड़ा ब्लॉक के एक छोटकुन गांव, एहर कोनो आम गांव नो है। सांसद दिनेश कश्यप के गोद ग्राम है। गांव के जनसंख्या 1500 के करीब है, जिन्हा मूलभूत सुविधा के समस्या ले जूझा थे। देखो हमारे खास रिपोर्ट। दक्षिण बस्तर में ऐसे कतको गांव है जिहां न रोड है न पिए बर स्वच्छ पानी। सांसद के गोद ग्राम के जब ए हालत है तब बाकी गांव के का हालत हो ही आप मन ही सोच सकत हो। गांव वाले मन के कहना है सांसद महोदय चुनाव जीते के बाद दो घाव हमर गांव में समस्या ला देखे आई। हमन कतको घाव अपन समस्या ला बताएं फिर आज तक समस्या के निराकरण नहीं हो। अब देखना ए है कि सांसद जी जब लोकसभा चुनाव में जनता के बीच वोट मांगे बर पहुंची तो जनता मन के का जवाब हुई। ग्रामीण मन के कहना है कि कई बच्चर ले सड़क बिजली पानी और उप स्वास्थ्य केंद्र के आवेदन दिए गए हैं। ट्रांसफार्मर खराब होए के बाद बिजली विभाग दूसर मोहल्ला ले बिजली ला जोड़ दिए है, जेखर ले बिजली के आंख मिचोली के खेल चलत रही थे। गांव में शिक्षा व्यवस्था के बात करी तो 10वीं कक्षा तक स्कूल है। स्कूल के शिक्षा के स्तर ला बढ़ाए पर घलो आवेदन करे गए है। एक रोड अच्छी होनी चाहिए और घर में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और स्वास्थ्य को लेकर कम से कम उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ एक डॉक्टर की, इतने बड़ा मतलब सांसद ग्राम है तो एक डॉक्टर भी यहाँ मुआवजा कराना चाहिए। सड़क एक साल हो गया बनाने और क्या क्या समस्या है यहाँ? बिजली का भी समस्या है, जैसे ट्रांसफार्मर लगा देंगे बोले एक साल हो गया नहीं आया। क्या आपके गांव में सांसद कितने बार आए? दो बार आए। तो उनको अवगत कराया ये समस्या? उसने बताए थे जब आए थे पंचायत गया है, उसका भी कोई नहीं दे रहे हैं। उधर कहा जोर दिए कई निकाल फेंक दे, इधर अंधेरा हो जाता है। सोचा रहा तो कहीं है कहाँ नहीं है वैसा हो जाएगी। तो नहीं है तो कहाँ जाते हैं आप लोग? बाहर जाते हैं, इधर खेत वगैरह में। गांव में शौचालय की स्थिति ऐसा है कि पूरा गांव वाले मन ला शौच बर बाहर जाला पड़ते। सरपंच द्वारा शौचालय निर्माण ठीक ले नहीं कराए के बात भी ग्रामीण मन कहा थी। दंतेवाड़ा ले डिजिटल रिपोर्टर मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट।